साथियों, भाजपा सरकार गरीब के पैसे, देश के मध्यम वर्ग के पैसे, देश के सामान्य नागरिक के पैसे, देश के किसानों के पैसे कैसे बचा रही है, मैं उसका एक और उदाहरण देता हूं। हमारे यहां खेतों में हमारा किसान यूरिया उसकी जिंदगी का हिस्सा है। यूरिया उसके बिना किसान का तो जीवन सोच ही नहीं सकते। आज हमारे किसान को जरा मेरे साथ बोलेंगे भाई, मेरे सवाल का जवाब देंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, देंगे मेरे सवाल का जवाब देंगे? जरा मैं बताता हूं आपको, आज यूरिया की एक बोरी खेत में जो खाद डालते हैं ना, यूरिया की एक बोरी हमारे देश में किसानों को, हमारे इस इलाके में भी किसानों को 300 रुपये से भी कम में मिलती है। कितने कितने से कम? 300 रुपये से कम। कितने? जरा बोलिए ना जोर से, जरा जोर से बोलिए, कितने कितने किसानों को यूरिया कितने में मिलता है? एक बोरी का कितना? 300 से भी कम। लेकिन आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि यूरिया की यही बोरी अमेरिका के किसान को 30,000 रुपये में मिलती है। हमारे अगल बगल के देशों में भी 2,000, 2,500, 3,000 रुपये कीमत है। ये भारत का किसान है जिसको मोदी की गारंटी है, दुनिया में भले यूरिया आसमान पे चढ़ जाए, मेरे देश के किसान को 300 रुपये में से भी कम यूरिया दिया जाता है। और भाजपा सरकार है इसलिए आपको अमेरिका के किसान से 10 गुना सस्ता यूरिया मिल रहा है। इस पर भी हमारी सरकार हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथियों, आजादी के बाद के इतने साल में, इतने साल कांग्रेस के शासन ने अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान किया है, धोखा किया है, तो वो हमारे छोटे किसान हैं। कांग्रेस ने कभी भी छोटे किसानों के लिए योजना ही नहीं बनाई। आपने अपने बेटे मोदी को जब से दिल्ली भेजा और हमारा सेवा काल शुरू हुआ, हमें सरकार ने, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बनाई। इस योजना के तहत किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खाते में, अकाउंट में जमा होते हैं। सीवनी के भी लगभग 2.5 लाख किसानों को इसका फायदा मिला है। और साथियों, भाजपा के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस वाले क्या करते हैं? कांग्रेस वाले आपसे कर्ज माफी की झूठी घोषणाएं करते हैं। पांच सहले भी इनके नेता कहते थे 10 दिन में कर्ज माफी करेंगे। अरे 10 दिन तो छोड़िए, 1.5 साल का समय उनको मध्य प्रदेश में राज करने का मौका मिला था, लेकिन किसानों की एक पाई माफ नहीं की, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। कांग्रेस की इस कुटनीति के कारण किसान बार बार कर्ज में डूब जाता है। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार किसान को सशक्त करना चाहती है। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने गेहूं, चना, मूंगफली का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तब धान का एमएसपी 1,300 रुपये था। इस वर्ष लगभग मोदी सरकार ने 2,200 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी धान किसानों को दिया जा रहा है। यानी 9 साल में हमने धान का एमएसपी 900 रुपया बढ़ाया है। इसी प्रकार बीते 9 वर्षों में
मक्का का समर्थन मूल्य भी लगभग 800 रुपया बढ़ाया गया है। कांग्रेस सरकार दलहन और तिलहन फसलों की एमएसपी पर खरीद भी ना के बराबर करती थी। कुछ दिन पहले मूंगफली के एमएसपी में भी 500 रुपये की वृद्धि की गई है। बीते 9 वर्षों में मूंगफली का एमएसपी लगभग 2400 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। हमारे किसान भाई बहनों की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा जाए, इसके लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है।